हाय स्टूडेंट्स, तो चालू करते हैं अपने नेक्स्ट फाइव क्वेश्चंस। तो पहले पांच क्वेश्चंस हमने रिलीज़ किए थे, तो अब दोबारा से नेक्स्ट फाइव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये जो नेक्स्ट फाइव क्वेश्चंस रहेंगे, ये दोबारा से क्लास इलेवंथ के टॉपिक्स के कवर करेंगे। एक यूनिट्स एंड डायमेंशंस का रहेगा, एक काइनेमेटिक्स का है, एक अपना सेंटर ऑफ मास का है, और दो ग्रेविटेशन से हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, वर्क डन का एक्सप्रेशन गिवन है, अल्फा बीटा स्क्वायर एंड ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अल्फा के बी टी। ओके, अब इसमें निकालना क्या है, हमें बीटा का डायमेंशंस निकालने हैं, हमें वर्क डन का पता है, हमें एक्स डिस्प्लेसमेंट का पता है, हमें के बी और टी का पता है, बट हमें अल्फा और बीटा का नहीं पता है। बड़ा स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है, नथिंग यूनिक, नथिंग डिफरेंट। तो इसमें रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर आप एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन देखते हैं, एक्सपोनेंशियल के पावर के डायमेंशन देखते हैं, दैट शुड बी वन, राइट? सो दैट विल गिव अस द डायमेंशन ऑफ अल्फा, और अल्फा की निकल जाएगी तो ई टू द पावर जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म है उसके कोई डायमेंशन नहीं है, तो अल्फा बीटा स्क्वायर के डायमेंशन सेम होने चाहिए जो वर्क डन के हैं। तो इससे हमारे पास बीटा का डायमेंशन भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अल्फा का हम पहले निकाल चुके हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले सबका लिखता जाता हूँ मैं यहाँ पे, अपना डिस्प्लेसमेंट का बड़ा सिंपली एल है, टेम्परेचर का केल्विन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एक बार देख लेते हैं। इफ़ यू रिकॉल, अपन ने काइनेटिक थ्योरी कैसे से पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 3/2 के बी टी। और एनर्जी के डायमेंशंस क्या हैं अपने, दैट इज वर्क डन के जो डायमेंशंस हैं, दैट इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन टाइम्स द डिस्टेंस, एफ डी। फटाफट लिख लेते हैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन का रहता है एल टी टू द पावर माइनस टू, बट क्योंकि एक बार और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो एल स्क्वायर हो गया एंड टी माइनस टू। तो अपना के बी के डायमेंशंस हो गए, के बी के डायमेंशंस हो गए अपने एम एल टू टी की पावर माइनस टू केल्विन टू द पावर माइनस वन। ओके, सो नाउ वर्क डन के भी लिख लेते हैं यहाँ पे डायमेंशंस। वर्क डन के डायमेंशंस जैसे मैंने अभी बताया, एम एल टू टी टू द पावर माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के बी टी के डायमेंशंस होने चाहिए वन, दैट इज एम जीरो एल जीरो टी जीरो के जीरो। सो लेट्स राइट डाउन द लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज एल स्क्वायर एट द टॉप, अल्फा के बी का है एम एल टू टी टू द पावर माइनस टू केल्विन टू द माइनस वन, एंड टेम्परेचर दैट इज अगेन केल्विन टू द पावर प्लस वन इज इक्वल्स टू वन। तो अपने अल्फा के डायमेंशंस हो गए, अल्फा के डायमेंशंस हो जाएंगे अपने, भी कुछ टर्म्स अपन काट देते हैं, सो वी गेट अल्फा के हो गए एम माइनस वन ई टू द पावर टू। अब नाउ अब अपने को ये भी पता है कि अल्फा बीटा स्क्वायर के डायमेंशंस दे आर इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, दैट मीन्स बीटा स्क्वायर के डायमेंशंस हो गए एम एल टू टी टू द माइनस टू अपॉन एम माइनस वन टी टू द पावर टू, और वी गेट एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस फोर। तो बीटा के डायमेंशंस हो गए सिंपली एम एल टी टू द पावर माइनस टू। ओके, सो मूविंग ऑन, अब हमें ये एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। दीज क्वेश्चंस अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन जहाँ तक देखने को मिल रहा है, दे सीम टू बी टू सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे हिसाब से ये शायद सीबीएसई के लेवल से भी डाउन है, बट दैट्स ओके, सो लेट्स कैरी ऑन। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, सो हमें पता है कि अगर ये वाले पीरियड के अंदर velocity, rate of change of velocity is constant, acceleration is dv by dt, rate of change of velocity,
तो ये कांस्टेंट है इस पीरियड के अंदर क्योंकि इसकी स्लोप कांस्टेंट है वी वर्सेस टी की, और इसमें भी कांस्टेंट है, इसके अंदर नेगेटिव स्लोप है, इसके अंदर पॉजिटिव स्लोप है। तो हमें मतलब फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो वी विल हैव ए टू बी नेगेटिव एंड देन ए विल बिकम पॉजिटिव, राइट, और ए इज़ पॉजिटिव फॉर द सेकेंड हाफ। सो लुक्स लाइक दिस इज़ द क्लोजेस्ट रिजेंबलिंग शेप। ये डॉटेड लाइन्स एंड डोंट वरी अबाउट these parts are dotted lines. Anyway, so this is what we have. Moving on, आगे चलते हैं। अब ये है अपना एक mass है, दूसरे mass से elastically, let me check, it doesn't say elastic collision, it just says it just collides with another mass M, and after the collision the two masses move at an angle of 30 degrees from the original direction. तो इसमें collisions में हमें ये याद रखना है कि क्योंकि कोई external force नहीं है तो system means I am going to count these two masses as a system. तो जो भी collision forces हैं वो सारे internal forces हैं, तो momentum of the system will remain constant. तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, कोलिशन से पहले का मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू कोलिशन के बाद का मोमेंटम, एंड दैट शुड बी ट्रू बोथ इन द एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। सो व्हाट एम आई कॉलिंग एज एक्स डायरेक्शन, लेट्स कॉल दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन। पहले वाई डायरेक्शन से कर लेते हैं क्योंकि इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन इज जीरो, तो फाइनल में भी जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं एक का कह देता हूँ वी वन, दूसरा कह देता हूँ वी टू, देन एम V1 sin 30 is equals to M V2 sin 30, right? We are just dealing with the magnitudes here, V1, V2, not the signs. So what this means is V1 equals to V2. Both the masses, after the collision, they move with the same velocity. Now let's apply, ye toh humne y direction ka tha. Now let's apply the conservation of linear momentum along the x direction. So initial momentum was simply mv, baad ka momentum hai aapka 2m, let's call this as v dash, so 2mv dash cosine 30. So we get v dash by v is equals to 1 upon 2 cosine of 30 degrees, so that is 1 by root 3. Simple and straightforward. Okay, moving on. Two satellites are evolving. ये अपने gravitation का question है. Once again, these questions are not really making that much sense. Because, anyway, so let me read through the question. They're too simple and straightforward. क्या given है? हमें दो satellites हैं. वो किसी planet के around orbit कर रहे हैं. अपने अपने उसमें orbits में घूम रहे हैं. दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो गिवन है, टाइम पीरियड का रेशियो गिवन है 1:8। और पूछा है उनकी एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या रहेगा। अब दे आर मूविंग एट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटीज, सो वी नो द रिलेशन ओमेगा इज सिंपली 2π/T, राइट, इतने रेडियन पर सेकेंड। Anyway, so omega 1 by omega 2 is simply T2 by T1. So that is 8 by 1. That's simple. But do not expect all the questions to be this simple. But anyway, is baari ka abhi tak ka jo questions dekhe hain, they seem to be at a level much lower than... they perhaps don't even qualify for CBSE ke question, but that's okay. Anyway, let's move on. Find the velocity of masses in two-star motion. In which options hai, I assume these options have square root in them. So I'm just going to put square root. So how do we solve this one? Velocity of masses. Wahi hai apna dhyan rakhna hai two-star motion ke andar. They're going to move about their center of mass. Why about center of mass? Because there is no external force on this system of masses. इन दो मैसेस के ऊपर कोई बाहर का फोर्स नहीं है, बाहर का टॉर्क नहीं है,
तो सेंटर ऑफ मास का जो आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोई लीनियर एक्सिलरेशन नहीं होगा, देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। सो ये किसके अबाउट रोटेट करेंगे, ये रोटेट करेंगे अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट में। ओके, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट में रोटेट कर रहे हैं दैट मीन्स कि उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर मोशन विल बी एल बाय टू। सो नाउ रिकॉल द न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज सिंपली जी एम एम, दैट इज एम स्क्वायर बाई आर, सो बाई आर स्क्वायर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू विच इज एल स्क्वायर, इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर, आर इज जो उनके सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है दैट इज एल बाय टू। सो वी विल स्ट्राइक ऑफ फ्यू थिंग्स, सो व्हाट वी गेट इज वी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम बाय टू एल। So v dash is square root of gm by 2l. Okay, anyway, with that, I'll stop here. And then for the next set of five questions, we'll catch up in the next video. Thanks, bye.